नमस्ते साथियों, कैसे हैं? हम लोग हमारे ज्योग्राफी एमए का फाइनल ईयर का कोर्स कर रहे हैं, उसमें हम आठवां पेपर तो पढ़ ही रहे थे, कुछ मैंने उसके वीडियोस अपलोड भी किए। और ये है हमारा छठा पेपर, भारत का बृहद भूगोल। ठीक है, भारत का बृहद भूगोल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं भारत के बारे में, एटलीस्ट हर चीज है। अगर हम इसकी यूनिट वाइज देखें तो भारत की स्थिति, विस्तार और ये सब पहला यूनिट है, फिर भूमि की, फिर भू आकृति, अपवाह तंत्र, जल संसाधन, उसके बाद प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, फिर मिट्टी और खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि, जनसंख्या, और इस तरह से चलते 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 कंप्लीट भारत का नॉलेज है। और आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की पहली यूनिट से। इस बुक की पहली यूनिट है और उसका नाम है भारत की स्थिति, विस्तार और स्थानिक संबंध। तो आज हम इसकी स्थिति और विस्तार देख लेते हैं और भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए, पहले तो हम भारत एक नजर में छोटा मोटा देख लेते हैं जितना बुक में है। वैसे तो बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, पर जितना बुक में है हाँ उतना देख लेते हैं। तो मैं मैप लेके आई हूँ भारत का। वैसे आप लोग सब जानते हैं, स्टिल एक बार देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब देखिए अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा से ऊपर होती है और नीचे होती है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और देशांतर रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे पूर्व में और पश्चिम में चलती है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, हम यहाँ से शुरू करें, 8.4 डिग्री से लेके ऊपर है आखिरी 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार देखिए, इस तरफ से चले पूर्व की तरफ चले तो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है वो है 68.7 डिग्री। यहाँ से 68.7 डिग्री से 68 मिनट, डिग्री और 7 मिनट बोला ऐसे जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके हम आगे चलते चलते यहाँ पहुंचे, आखिरी बिंदु वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का उत्तर, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। और जो कर्क रेखा 23.23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री वो ये है, यहाँ से होके ये गुजरती है जो भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, और फिर है जो भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार वो हम देख लेते हैं। और जो भारत की ग्रीनविच मीन, हमारी जो मानक समय रेखा वो है 82.5 डिग्री और वो यहाँ से होके गुजरती है, ये रेखा। ठीक है, अब मैं मैप हटा देती हूँ, थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं, मैंने टेबल बना रखी है। तो अक्षांश विस्तार हो गया, देशांतर एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को मध्य से दो भागों में बांटती, उत्तरी और दक्षिणी। फिर है भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार में अंतर कितना है 30 डिग्री का, इसमें और इसमें 30 डिग्री का अंतर है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण किलोमीटर में हम देखते हैं, उत्तर से पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये है 2933 किलोमीटर भारत का पूरा चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में भारत है 3214 किलोमीटर। तो ये भारत का विस्तार है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, फिर है भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैंने खड़ी लाइन बताई थी, वो 5 राज्यों से होके निकलती है, 5 राज्य ऊपर से आती है, तो यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे खड़ी होती हुई इन राज्यों में से गुजरती है। और जो समय माना जाता है वो अलाहाबाद का समय लिया जाता है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री इस तरह वाली रेखा को भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल
किस तरीके से वो निकलती है। अब हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा जो है, जहां जहां पानी वाली नीचे वाली सीमा नहीं, प्रायद्वीपीय सीमा नहीं, स्थलीय सीमा जो अन्य राज्यों और देशों को टच होती है, वो है 15,107.106.7 किलोमीटर, और जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत की ये जलीय सीमा है। फिर स्थलीय भाग जो है भारत का, विश्व का 2.42% है और सातवां स्थान है भारत का। ठीक है, क्षेत्रफल की आकृति दृष्टि से भारत जो है विश्व का 2.42% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है, और आकृति जैसी अनियमित चतुर्भुज जैसी भारत की आकृति है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लीजिए, वैसे आपकी बुक में है तो चाहे तो बुक से अंडरलाइन कर लीजिए। अब आता है भारत का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर। हम फिर से मैप देखते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर और सबसे नीचे है कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे उत्तरी और नीचे का बिंदु रहा है, जो कि तमिलनाडु में है। भारत के उत्तर में हिमालय है और नीचे में हिंद महासागर है, इस तरह बंगाल की खाड़ी है, इस तरह अरब सागर है। ये भारत की एक स्थिति है। उसके बाद आता है भारत का नामकरण कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का नामकरण भारत कैसे हुआ। वैसे तो दो तीन मान्यताएं हैं कि इतिहास देखें तो जो इन्वेडर्स थे वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इंडस और उसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा। फिर एक कथा ये कि जो राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे भारत का नामकरण हुआ। तो इस तरह से ये भारत का नामकरण है और सामान्य सी जानकारी है भारत के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भारत की सीमाएं जो है, देखिए भारत की प्राकृतिक सीमाएं भी हैं और कृत्रिम सीमाएं भी हैं। इससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, मैं आंसर भी बता रही हूं। भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख कहां मिला, किस पुराण में भारत का पहला उल्लेख मिलता है, तो वो है विष्णु पुराण। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, आर्यों के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर है भारत को इंडिया क्यों कहा गया, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और उसके आसपास का क्षेत्र इंडिया कहा। अब आप क्वेश्चन लिखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए, जिसमें आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। ठीक है, फिर अगला है इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अगला क्वेश्चन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या महत्व है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या महत्व है। तो यह भारत की मानक समय रेखा है, जिससे कि भारत का समय निर्धारण होता है। एक और चीज है, हमारा समय भारत का समय, देखिए एक देशांतर में 4 मिनट का फर्क पड़ता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का फर्क पड़ता है। और इस हिसाब से देखें तो ग्रीनविच मध्य रेखा से भारत की जो
रेखा समय रेखा है उसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। तो हमारा भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। दोनों में कितना समय है? 5.5 घंटे का। भारत का क्षेत्रफल एवं विश्व में भारत का स्थान बताइए। अब भारत का क्षेत्रफल ये है और विश्व में भारत का स्थान ये है। भारत की आकृति कैसी है? ये लिखी अनियमित चतुर्भुज या चतुष्कोणीय आकृति। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पे चाइना एंड सेकेंड नंबर पे हम लोग हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत की बाउंड्रीज देखेंगे और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत का महत्व देखेंगे कि भारत क्यों महत्व रखता है। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड चैनल आल्सो। थैंक यू।